नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जिस लोग आप लोगों का इंतजार था, बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जैसा आज कॉन्फ्रेंस हुआ था और कहा गया था कि 31 तारीख को जारी होगा, तो बिहार हर चीज रात में ही जारी करता है, तो बिहार में आपका शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन में, क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन पर चलने से पहले, आप लोग जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा प्लस टीम के द्वारा चलाए जाए निःशुल्क कोर्स से जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो क्लासेस आपको निःशुल्क दिया जा रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का। जो लोग भी शिक्षक भर्ती से जुड़ना चाहते हैं, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, आपका शिक्षक भर्ती का बैच मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाएं। रेगुलर क्लासेस आपको शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चलती हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पहला जो आपको दिख रहा है, आपको प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। यहां पर जो सामान्य पोस्ट है आपका, अगर हम बात करें तो सामान्य पोस्ट में 13 अनारक्षित जनरल के लिए 13,397 है, महिला के लिए 13,435 है, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का 3,357 है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 3,345 है, ओबीसी के लिए 6,000 है और महिलाओं के लिए भी 6,000 है, पिछड़ा वर्ग, क्योंकि आपसे पहले भी बोला गया था 50%, और पिछड़ा वर्ग के लिए 4,013 है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4,027 है, अनुसूचित जाति के लिए 5,000, अनुसूचित जनजाति 5,374, अनुसूचित जनजाति 335, 349, 2013, ऐसे आपके अलग अलग क्राइटेरिया के लिए पूरा पद है। टोटल सामान्य का अगर हम पद देखें तो आपका 77,066 पोस्ट है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यही उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो 12,729 है कुल पद, और बंगला की बात करें तो 148 है। बाकी आपके ये दिव्यांग के लिए है, आरक्षित के लिए। यहां बोला विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित अधिकारी है, ये ध्यान रखिएगा। वेतनमाल आपका मूल वेतन इसमें 25,000 होगा, बाकी आपके जो भत्ते हैं वो सब कुछ इसमें लगेंगे, जोड़े जाएंगे। माध्यमिक स्तर पर अगर हम बात करें, चलिए 9 से 10 की बात करते हैं हम लोग, कक्षा 9 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 8 तक का कोई पोस्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 9 से 10 की बात करें तो यहां पर देखिए हिंदी के लिए आपका 1416 पोस्ट है। तो टोटल अगर हम बात करें हिंदी के लिए तो कुल पदों की संख्या है 5,486, अंग्रेजी के लिए है 5,425, और विज्ञान के लिए 5,425, गणित के लिए 5,425 और सामाजिक विज्ञान के लिए 5,425। सब में देखो इक्वल डिवाइड किया गया है पोस्ट का। उसके बाद से यहां पर संस्कृत के लिए 2839, उर्दू के लिए 2300, अरबी के लिए 200, नेक्स्ट आपका यहां पर फारसी के लिए 300 और 91 आपके बंगला के लिए है। तो ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो 32,916 पोस्ट आपका क्या है, यहां पर आपका 9 से 10 वाले में है, और यहां पे 79,943 आपके 1 से 5 तक का है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसमें जो आपका मूल वेतन है मेन, आप ध्यान रखिएगा, वो आपका 31,000 है, बाकी आपका जो भत्ता है वो सब जोड़ा जाएगा। 11 और 12 के लिए अगर हम बात करें तो 11 और 12 के लिए जंतु विज्ञान में, यहां देखिए जंतु विज्ञान में 2683 पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान में 2738 है, रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा है 4799 केमिस्ट्री के पोस्ट है, गणित के अध्यापक के लिए 2673 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र के लिए आपका 3022 पोस्ट है, अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1997 है, भूगोल के लिए आपका 1033 है, इतिहास के पोस्ट ज्यादा हैं, 5870 पोस्ट हैं आपके। फिर गृह विज्ञान के 1275 पोस्ट हैं, संगीत के आपके 2043 हैं, दर्शन शास्त्र के 170 पोस्ट हैं, मनोविज्ञान के आपका देख लो 2015 है, और राजनीति शास्त्र के आपके पॉलिटी वाले का टोटल 5354 पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपके पोस्ट का यहां पर डिवीजन किया गया है, आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ये टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा।
ठीक है, और भी आपके अरबी हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, जहां पर बीएड वेड नहीं मांगता है और बच्चे काफी जो इंजीनियर वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो कंप्यूटर साइंस का अगर हम पोस्ट की बात करें तो अच्छा खासा पोस्ट है, 8395 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। ठीक, बाकी आपके ऐसे ही उर्दू, संस्कृत, पाली, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब के हैं, तो यहां पर हिंदी के पोस्ट भी 3200 है और अंग्रेजी के 3535 पोस्ट है। ठीक, इनका जो मूल वेतन है वो 32,000 रुपया है, बाकी आपका जो भी है भत्ता वो सब लगता जाएगा। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनिवार्य आहार्यता क्या क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, बोला है भारत में भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी, मतलब साफ साफ बोल दिया गया है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है जो संप्रति नियुक्ता ऐसा है। विद्यालय अध्यापक एक से पांच तक की बात करें कि क्या क्या आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बाद में देखो ये सब मैंने पहले भी बता रखा है कि न्यूनतम आपका ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% एक से पांच तक आपका क्या होना चाहिए कि 10+2 में 50% अंक होना चाहिए और उसके बाद से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, बीटीसी या डीएलएड जिसको बोलते हैं वो आपका होना चाहिए 10+2 के साथ। बाकी इसके साथ एक कंडीशन 45% वाला लगाया था, उसको देख लीजिएगा, विनियम 2002 के तहत है। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 10+2 के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, यह सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप लोग एलिजिबिलिटी वाले से एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले वीडियो से जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखिए कुछ चीजें जो चेंज हुई हैं वो मैं बता दे रहा हूं, है ना, कुछ चीजें आपकी जो चेंज हुई हैं। बीएड वाले भी एकदम एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। और क्या है, एनसीटीईटी के द्वारा यह बोला गया है कि आपका अगर बीएड के तौर पर प्राथमिक के आप टीचर बनते हो तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंतर्गत करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से हाँ वही बोला गया है कि आपको करना होगा। हाँ, इसमें और एक बात और बोली गई है, एक से पांच तक उर्दू पदों में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा पदत मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ये संस्थाएं हैं उनके बारे में बोला गया है। एक से पांच में बंगला शिक्षकों के पदों के लिए इंटर में 50% अंकों का बंगला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बंगला में स्नातक योग्यता मान्य होगी। ठीक है, तो ये आपके जनरल से चीजें दी गई हैं जो आप लोग देख लीजिएगा यहां पर। अब हम लोग यहां पर आते हैं 9 से 10 के बाद बारे में बात करते हैं। तो 9 से 10 के लिए आपका क्या योग्यता चाहिए, बोला गया जो आपका विषय होगा, जिस विषय में इसके तहत आप अप्लाई करोगे उसी विषय में आपका 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या पीजी, ठीक है, में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट से अप्लाई करोगे उसमें आपका 50% होना जरूरी है विथ बीएड, बाकी आपकी एलिजिबिलिटी है उसे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं 9 और 10 के टीचर के लिए, बोला है 9 और 10 तक के विद्यालय के अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन हो गया और बीएड हो गया इसके योग्यता में किनको किनको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित आहर्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो आपका 50% है ना उसमें आप लोगों को 5% क्लास 9th और 10th के लिए क्या होगा, छूट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं क्लास 9th 10th के विद्या जो आपके टीचर बनेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की क्या अर्हता होगी।
जैसे गणित के लिए बोला है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में कोई दो विषय में स्नातक हो, मतलब आप गणित के साथ इनमें से कोई एक और सब्जेक्ट लिए हैं उससे आप ग्रेजुएट हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसे गणित की विशेषज्ञता हो, मतलब आप बीटेक उटेक किए हैं तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। विज्ञान के लिए भी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित या अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता विशेषज्ञता हो ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंजीनियर वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में देखो, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक इतिहास और भूगोल अवश्य हो, यह ध्यान रखिएगा। बोला गया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें से आपका इतिहास या भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो, भाषा वाला का भाषा का होगा, कक्षा 11 और 12 के जो है आपका एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 11 12 के लिए एक ही चीज है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। और क्या चाहिए आपका? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और इसके साथ बीएड चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड चाहिए। ये 50% अंक चाहिए जिसमें आपको अप्लाई करना है जिस सब्जेक्ट के लिए। यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट के आपके दिए गए हैं सब्जेक्ट, जैसे मान लो फिजिक्स का टीचर बनना है, इकोनॉमिक्स का बनना है तो क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वीडियो में डाला है उसको आप लोग इसके बाद वाले देख लीजिएगा, लिंक में लगा दूंगा, ठीक है। अकाउंटेंसी के बारे में दिया है। हाँ, जो मेन आपका डाउट था सबसे बड़ा वो ये था, ठीक है, ये क्या है, सीटेट और एस्टेट को लेकर। क्या सीटेट आपका जो हायर लेवल वाला है 6 से 8 वो अप्लाई होगा? जब 6 से 8 की वैकेंसी नहीं है तो वो कहां से एलिजिबल होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर जो प्राथमिक शिक्षक है 1 से 5 तक क्या चाहिए, 10+2 50% के साथ आपका डीएलएड हो या बीएड हो, और प्लस क्या चाहिए उसके लिए, सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का या बिहार टेट का पहला पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो है उसके लिए एस्टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वह एस्टेट का पहला पेपर क्लियर होना चाहिए बिहार का माध्यमिक विद्यालय के लिए, इसमें सीटेट नहीं चलेगा और सीटेट इसमें चलता भी नहीं क्योंकि 9 और 10 के लिए है। उच्च माध्यमिक 11 और 12 के लिए भी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो प्राथमिक के लिए सीटेट वाले सिर्फ एलिजिबल हैं, ठीक। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा, उनके लिए कोई मतलब नहीं है जो 2012 से पहले के लोग हैं, ठीक है। चलिए और अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें। हाँ, जैसे यहां पर देखिए बोला गया, शिक्षण प्रशिक्षण में वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, एक शिक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो तथा शिक्षण प्रशिक्षण में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, वर्ष 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। अच्छा, इनका मेन यही है कि वो लोग सब लोग क्या हैं कि एलिजिबल हैं, जो लोग अपना अगर बीएड बोला ना यहां पर ये ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक योग्यता धारित करते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो और एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो लोग बीएड वाले हो, चाहे डीएलएड वाले हो, डीएलएड हो गया चाहे आपका बीएड हो गया, ये बंदे जो अपने अंतिम वर्ष में हैं और जो अपने परीक्षा को दे चुके हैं या देने वाले हैं, वो परीक्षा कार्यक्रम अगर आपका 31/8/2023 तक संपन्न हो जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा 31/8 तक लास्ट एग्जाम हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं बीएड और डीएलएड वाला, उनके बारे में यहां पर बोला गया है।
चलिए अब यहां पर देखें, वही बात यहां पर भी कही गई है एक से। आयु सीमा की बात किया जाए, एज लिमिट क्या है, तो देखो कहां तक माना है, न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा कट ऑफ 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ 1/8/2023 अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होगी। मतलब 1/8/2023 तक जो है प्राथमिक के लिए 18 साल और उसके ऊपर वालों के लिए 21 साल होगा। उसके बाद अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, ठीक है, मैक्सिमम एज आपका अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला, ठीक है, 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। बाकी आपके सेवानिवृत्त जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 60 वर्ष है। तो यहां पर एज की भी क्राइटेरिया लगा दी गई है, मैक्सिमम आपका 37 है, बाकी के लिए 40 कुछ क्राइटेरिया में और कुछ के लिए आपका 42 है, ठीक है। आयु सीमा में छूट जो है वो आपके नियमावली के अकॉर्डिंग बोला जाए, यहां देखिए क्या है, इस नियमावली के प्रयुक्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रयुक्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देख लो और किसके लिए यहां पर है, हाँ, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी को, ठीक है, 2019 में जो कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पहले हुए नहीं थे। वही बोला माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 विज्ञापन संख्या इतना में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा छूट 1/8/2019 को आधार मानकर दे होगी। इस प्रकार वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 विज्ञान संख्या इतना के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा छूट कट ऑफ डेट के अनुसार गणना की जाएगी, उनके लिए जो डो भी आपका बनाया गया होगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, यहां पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। मैंने कहा जो लोग आपके वो सब्जेक्ट नहीं दिए हैं स्टेट के थ्रू 2019 से वो उनको 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। बाकी आपका लिखित परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड होगा। पहला जो आपका होगा वो भाषा का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होगा पहले पार्ट में, उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश होगा, 75 क्वेश्चन में आपका हिंदी उर्दू या बंगला में से किसी एक को आपको चुनना होगा, ठीक है। ये एक सिर्फ एक तरह से बोला जाए इस पत्र का आहार्तांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इनमें आपको पूरा का पूरा 100 में से 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, बस इतना जानिए। यहां पर बोला ना कुल अंक 100 का होगा, मतलब एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, ये कंफर्म है। जो दूसरा पेपर होगा, और ये सबके लिए सेम होगा, ये सबके लिए सेम होगा, दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा जी आपका, ये 120, पहले 150 का था अब 120 का हो गया, ये भी 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है वही चीजें सिलेबस रहेंगी, गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। वही बात कि आपका जो आहर्ता 10+2 है ना उसी के अकॉर्डिंग उसका लेवल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर विषय एवं सामान्य की बात किया जाए तो 120 पेपर होगा, इसमें भी 2 घंटे का होगा। ये पत्र दो भाग में होगा, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला जो भाग होगा उसमें 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज लेंगे, ठीक है, ये आपका 9th, 10th और 11th, 12th के लिए है, ठीक है। इसमें 80 प्रश्न होंगे और 40 में आपका
वही जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस हो गया, मैथ्स वाला हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, वो चीजें रहेंगी, आपका जनरल चीजें रहेंगी, ठीक है। और इसके लिए बोला है आपको क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है। और यहां पर हम अगर बात करें, यहां देखो ये 11th और 12th के लिए बात करें तो सेम चीज है, 120 प्रश्न लैंग्वेज वाला तो आपका होगा ही होगा। और ये जो प्रश्न होगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा दूसरे वाले पेपर में। तो यहां पर भी ये आपके नॉलेज का टेस्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, बाकी 40 आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हाँ, अब यहां पे बोला गया है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, प्रत्येक गलत उत्तर में ऋणात्मक निगेटिव मार्क अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कितने हैं देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है आपका, मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग उम्मीदवारों के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, दिव्यांग के लिए 32 है, ठीक है, ये सब दिया गया है। आते हैं आप लोग, हाँ अब आते हैं हम लोग साक्षात्कार पे। यहां पर इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को अपवैंधिक मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के समान होने पर स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र की समानता होने, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मतलब वही बात है, अगर सेम मार्क्स है तो उम्र और उसके बाद से मार्क्स जो आपके नाम है उसके अकॉर्डिंग वरीयता दी जाएगी। वो भी नाम कैसा होगा, देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको छाटा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ देख लेते हैं जो आपके मेन जानने की जरूरत है। हाँ, यहां पर बाकी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में नोटिफिकेशन, जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कि क्या जानने वाला आपको जरूरी है। हाँ, यहां पर आपको दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग। चलिए, बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे ना, छोटे छोटे वीडियो बना के हम लोग आपके प्रश्न जो भी होंगे उसको सॉल्व कर देंगे। अभी आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन इतना जान लो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के, ये जरूरी है। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो 22 और 23 का होना चाहिए सभी, ये आपका पॉइंट जरूरी है, ध्यान दीजिए। सभी वंचित प्रमाण पत्र शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, उत्तीर्ण आरक्षण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित परीक्षा में दिनांक 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उसे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब आपको बस बीएड लास्ट ईयर वालों को छोड़ दिया जाए तो उनका बस 31/8 तक आप अपीयर हो, उसका आपके पास होना चाहिए फीस स्लिप व्लिप जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, प्लस जो बाकी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है ग्रेजुएशन के, आपके स्टेट के, आपके प्रमाण पत्र हो गए, निवास आपका हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आपका 12/7/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या जरूरी है देख लीजिए। आपको आवेदन करते समय मैट्रिक का प्रमाण पत्र अंक जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, विज्ञापन में कोड का 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होगा, विज्ञापन में यह शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र जो होंगे, बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ यहां पर दिया गया है। पीएच कैंडिडेट के लिए क्या होगा, पहचान पत्र आपका, आधार कार्ड हॉल का हाल ही में ही खींचा गया, 2 फोटो आपका जरूरी है, लिखित परीक्षा में भरे और डाउनलोड किए जाने वाले आवेदन की प्रति होनी चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए। मतलब ये आपको जब डीवी कराने जाओगे ना तब जरूरी होगा, ठीक। चलिए, प्रमाण पत्रों की जांच के बारे में बोला है, तो ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर करना है आपको, तो ये आवेदन 15 जून से आपका स्टार्ट होगा और 12 जुलाई तक आपका चलेगा।
इसे आप कहां से कर सकते हो? www.bpscbisnic.in या ऑनलाइन bpscbihar.gov.in से आवेदन आप कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। पेमेंट मोड आपको दिया गया है, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब पासवर्ड आप बनाओगे, वो सही से बनाइएगा, आगे आपको वो काम आएगा, यही सब चीजें दी गई हैं। हाँ, कुछ चीजें आपको दी गई हैं। इंटरनेट बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। बाकी बोला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। ये सब कुछ दिया गया है कि आपको उसी समय करना है। तो ये फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, आपको हम लोग ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाकर बता देंगे। तो मोटा मोटा यही है कि जैसा आपको बताया गया था वही चीजें आपको हुई है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें आपका कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि आपका ये जो एग्जाम है ओवरऑल, एक यहां पर बात किया जाए कि निगेटिव मार्किंग का, तो इसमें कुछ दिया है क्या कितना निगेटिव मार्किंग होगा? ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी भी क्लियर नहीं किया गया है, बस इतना लिखा गया आपका कि निगेटिव मार्किंग होगा। देखो यहां पर अंक दिए जाएंगे लेकिन कितना होगा इसके बारे में अभी कोई भी जिक्र नहीं है। इसको पूरा आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, मैंने जहां तक देखा है वहां तक नहीं। अगर कुछ मिलता है, कोई भी मिलता है संदेश इसके बारे में पर, तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलो कि ओवरऑल जैसा चलता है बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग, वैसा ही आपको यहां पर किया जाएगा। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग मान के चलिए कि होगी बीपीएससी में जो होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा यही अगर मैं कहूं इसमें कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको 1 से 5 तक के लिए कोई भी सिलेबस को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आपको इसमें अगर आपके पास 10+2 है, उसके बाद से आपके पास डीएलएड है या बीएड भी इसमें मान्य है आपका, प्लस सीटेट का पहला पेपर या आपका बिहार टेट आप पहला पेपर पास किए हो, ये हो गया। और 9 से 12 की बात करें, 10+2 50% मार्क्स, वही बात है। 9 से 10 की बात करें तो यहां आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यहां पर बीएड होना जरूरी है, प्लस एस्टेट, सीटेट उटेट नहीं, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका वो सब्जेक्ट जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। 11 और 12 की बात किया जाए तो 11-12 में यहां पर देखिए कंप्यूटर के लिए कोई बी एड वेड नहीं माना है, आप उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, कौन कौन कंप्यूटर भर सकता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसे देख लीजिएगा। 11-12 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, के साथ आपका बीएड होना चाहिए और एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एस्टेट का पेपर 2 क्या होना चाहिए आपका? क्लियर होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसके आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट्स के लिए। तो ओवरऑल आपका यही है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए, जो भी आपका ऐसा कुछ आएगा, मेन था यही सीटेट वाला जो लफड़ा फंस रहा था आप लोगों का, मेन वही था प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कंफर्म हो गया है कि सीटेट आपका, क्योंकि वो 6 से 8 होता है और जब 6 से 8 की वैकेंसी नहीं है तो आप कैसे लगा सकते हो, इसीलिए प्राइमरी में सीटेट एलिजिबल है, बाकी के लिए आपका एस्टेट मांगा गया है। बाकी डिटेल में आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट या समस्या होगी आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसे और भी जो जो इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में पॉइंट है उसको हम अलग अलग करके वीडियो बना देंगे, जिसे आपको इसको समझने में आसानी हो। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम बता देंगे ऑनलाइन फिल करके, कि किस किस स्टेप से कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए, आप सभी से मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।